कहते हैं सेहत का खजाना है दूध, हर मर्ज का एक ही इलाज है दूध। चाहे जोड़ों का दर्द हो या फिर कमर में आई मोच, बढ़ती उम्र के बच्चे हों या ढलती उम्र के बुजुर्ग, हर किसी की सेहत का ख्याल रखता है ये दूध। और दोस्तों, वैसे भी सालों पहले से दूध भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है। हमारे देश में दूध को हर तीज त्योहार या फिर संस्कार में किसी न किसी रूप में तो जरूर इस्तेमाल किया ही जाता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद का इतिहास उठाने पर तो हमें ये पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में दूध किसी दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मौजूद कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों का विकास करता है और विटामिन की मदद से खून बनता है। अब आप ही सोचिए, जब आप इतने सारे पोषक तत्वों और लाभों से भरपूर इस दूध का सेवन करेंगे तो आपके शरीर को कितने सारे लाभ मिलेंगे। लिहाजा आज वक्त बदल चुका है, अब हर घर में ना ही पहले की तरह दूध देने वाली गायें हैं और ना ही उससे मिलने वाला ये शुद्ध खुला दूध। अगर कुछ है तो वो महज इन थैलियों और टेट्रापैक में बंद ये प्रोसेस दूध, जिसे हम कहीं भी कभी भी अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल कर पाते हैं। तो हमने सोचा, क्यों ना आज आपको दूध की ही ये फैक्ट्री यात्रा दिखाई जाए, क्यों ना आपको अमूल दूध की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाई जाए। तो फिर चलिए जानते हैं आखिर अमूल के इस मिल्क प्लांट में कैसे गायों से निकला ये दूध पहले प्रोसेस्ड और फिर पैक होकर इन थैलियों और टेट्रापैक्स तक पहुंच जाता है। वेल दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आज हम हैं गुजरात स्थित एक अमूल मिल्क प्लांट में। ये मिल्क प्लांट अमूल की वेस्टर्न यूनिट में मौजूद आनंदा शहर में पड़ता है, जहां से रोजाना हजारों लीटर्स पैक्ड मिल्क और न जाने कितने ही डेयरी प्रोडक्ट्स देश भर में अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाते हैं। बाय द वे, इस जर्नी की शुरुआत होती है दूध किसानों के तबेलों से, जहां से ये सभी लोग अपने मवेशियों यानी गाय और भैंसों से दूध को निकालकर मिल्क कंटेनर्स में भरकर कलेक्शन यूनिट्स में जमा करवाते हैं, जहां तमाम क्वालिटी चेक्स और इंस्पेक्शंस करने के बाद ये दूध कई सारे बड़े मिल्क टैंकर्स में भरा जाता है और उन टैंकर्स को दूध से भरकर मिल्क प्लांट की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहां दूध का टैंकर आते ही दूध के क्वालिटी चेक्स के लिए सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें लैब में परखा जाता है। लैब में सभी मापदंडों और पैमानों पर खरा उतरने पर ही इन सैंपलों को पास किया जाता है, जिसके बाद मिल्क टैंकर्स को अनलोड करने के लिए हरी झंडी भी दे दी जाती है। बस अब क्या, एक वर्कर दूध से भरे टैंक का पाइप कंटेनर के इनलेट में जोड़कर वाल्व को खोल देता है और देखते ही देखते सारा दूध टैंकर से निकलकर इन कंटेनर में आ जाता है। दूध को जमा करने के 5 मिनट बाद ही इस दूध को पैस्चराइजेशन नाम की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां बहुत छोटे समय में दूध को तापमान का बहुत बड़ा अंतर सहन करना पड़ता है। मतलब 15 सेकंड के अंदर अंदर में कभी दूध को 76 डिग्री के ऊंचे तापमान पर तो कभी 4 डिग्री के ठंडे तापमान पर लाया जाता है। लगातार ऐसा 8 से 10 बार किया जाता है, जिसके कारण दूध में मौजूद हर प्रकार के बैक्टीरिया और जर्म्स मर जाते हैं और हमें ये शुद्ध दूध मिल जाता है। इस प्रोसेस के बाद बारी आती है होमोजेनाइजेशन की, जिसके तहत इन बॉयलर्स में बेहद हाई टेम्परेचर पर दूध को बॉयल किया जाता है, जिससे मिल्क में मौजूद फैट स्टिमुलेट होकर उड़ जाते हैं और हमारे दूध के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से नजदीक आ जाते हैं। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने से दूध की शेल्फ लाइफ तो बढ़ती ही है, साथ ही ये पहले से ज्यादा हेल्दी और क्लीन भी बन जाता है। इस प्रोसेस के एंड में कुछ देर के लिए दूध को इस रेस्टिंग टैंक में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और इन द एंड हमारे इस दूध को पैकेजिंग सेक्शन की ओर रवाना कर दिया जाता है, जहां एक मशीन 150 मिल्क पाउच प्रति मिनट की रफ्तार से दूध को इन थैलियों में भरकर सील कर देती है। इसके बाद दूध के ये सभी पाउचेस क्रेट्स में भरकर होलसेल मार्केट के लिए सप्लायर्स को भेज दिए जाते हैं। पॉली पैक वाली इस पैकेजिंग के अलावा इसी दूध का टेट्रा पैक भी आता है, जिसकी शेल्फ लाइफ पूरे 5 महीनों की होती है, यानी नॉर्मल रेफ्रिजरेशन के साथ अगले 5 महीनों तक दूध को इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग पैकेजिंग के कारण इसका दाम भी अधिक होता है। वैसे आपके घर में इन दोनों में से कौन सा दूध आता है, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी आप हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, अमूल बटर
लेस चिप्स या फिर हेयर ऑयल्स की मैन्युफैक्चरिंग पर। हमें अपनी फरमाइश कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।